अमेजोन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई 3 एपिसोड की डोक्यो सीरीज द एंग्री यंग मैन, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब लेखक की जोड़ी क्यों टूटी। कितने आदमी थे? सरदार, दो आदमी। सलीम जावेद। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका GBN24 पर, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना चौधरी। सलीम खान और जावेद अख्तर ने फिल्म हाथी मेरे साथी से अपनी शुरुआत करके तमाम कई सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी फिल्मों के विचारों को नए मुलम्मे के साथ पेश करने वाली इस जोड़ी ने जब भी कुछ मौलिक लिखने की कोशिश की, तब उनके फिल्में ईमान धर्म की तरफ ही विफल रही। आपको बता दें कि ये सीरीज बताती है कि सलीम जावेद ने कुल 24 फिल्में लिखी और इनमें से उनकी 22 फिल्में सुपरहिट रही। देखा जाए तो दोनों की फ्लॉप फिल्मों की गिनती में बस ईमान धर्म और शान की बात ही होती है। लेकिन वरिष्ठ फिल्म समीक्षक दिलीप ठाकुर का कहना है कि दोनों की लिखी एक फिल्म सौदा का जिक्र इनकी फ्लॉप फिल्मों में कभी नहीं होता और ना ही ये खुद भी इसका जिक्र करते हैं। विनोद खन्ना और योगिता बाली की लीड भूमिकाओं वाली ये फिल्म साल 1979 में रिलीज हुई थी। वहीं इस फिल्म का मुख्य शो मुंबई के रॉक्स सिनेमा घर में हुआ था और फिल्म ईमान धर्म को वह फिल्म मानी जाती है जहां से सलीम खान और जावेद खान की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई थी। वहीं वरिष्ठ फिल्म समीक्षक इंदर मोहन पन्नू हिंदी सिनेमा के इस सबसे कामयाब जोड़ी सलीम जावेद की दोस्ती टूटने का एक और रोचक किस्सा बताते हैं। देखने के बाद बॉलीवुड से पालना चाहिए मुझे कि वी आर शॉर्ट ऑफ स्टार। कैमरा ऑन है, ये सब ऑन पे चल रहा था, क्या मरवाएंगी मुझे। उनका कहना है इन दोनों की दोस्ती टूटने की सबसे बड़ी वजह है फिल्म मैं आजाद हूँ में हीरोइन की कास्टिंग। आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मनी की 3 ही वजह होती है, जर, जोरू और जमीन, यानी कि दौलत, औरत और जायदाद। यहाँ दोनों की दोस्ती टूटने की वजह बनी शबाना आजमी और हेलन। इस बारे में पन्नू ने बताया कि उन दिनों अपने लिखे फिल्मों की कास्टिंग भी अक्सर सलीम जावेद ही तय किया करते थे। दोनों ने मिलकर फिल्म मैं आजाद हूँ लिखी थी। एक निर्माता को दोनों ने मिलकर कहानी सुनाई और जावेद अख्तर ने शबाना आजमी का नाम बतौर हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ सुझा दिया। इस पर सलीम खान ने एतराज जाहिर करते हुए कहा था कि शबाना की छवि कला फिल्मों की हीरोइन की है और इस फिल्म के लिए परवीन बाबी या जिन्नत अमान ही सही रहेगी। वहीं निर्माता ने जब दोनों का ये रूप देखा तो फिल्म बनाने का विचार ही त्याग दिया था। ये जोड़ी टूटने के बाद जावेद अख्तर ने फिल्म में आजाद हूँ निर्देशक तीनू आनंद के साथ बनाई और हीरोइन उनकी पसंद की ही रही, जिसका नाम है शबाना आजमी। आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच मन मुटाव की वजह जावेद अख्तर की प्रिय शबाना ही हो। दूसरी तरफ अपने कैबरे डांस नंबर्स की वजह से हिंदी सिनेमा में खूब शोहरत पाने वाली अभिनेत्री हेलेन पर जिन दिनों सलीम खान का दिल आया था, उसी समय ईमान धर्म फिल्म भी बन रही थी। इंदर मोहन पन्नू ने बताया कि फिल्म ईमान धर्म में जब अमिताभ के सामने हीरोइन लेने की बात आई तो उन्होंने तुरंत हेलेन का नाम लिया। इसके बाद इस पर जावेद अख्तर ने एतराज जताया था, लेकिन तब सलीम खान की दबंगई ने अपना असर दिखाया और फिल्म में हेलेन आ गई। इस बात को लेकर जावेद अख्तर मन ही मन बहुत नाराज हो गए थे। दोनों की जिस दिन दोस्ती टूटे उस दिन का किस्सा भी बहुत ही अजीब रहा है। बता दें कि सलीम खान और जावेद अख्तर एक फिल्म की कहानी पूरी करके लौट रहे थे। गाड़ी सलीम खान चला रहे थे और उन्होंने जावेद को उनके घर तक छोड़ा। जावेद जब गाड़ी से उतरे तो उन्होंने सलीम खान से कहा कि ये सफर अब यही खत्म होता है, और तब तक जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला के गीत लिखने के लिए निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा से भी बात कर ली थी। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।